तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो में सरस्वती देवी की एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को ड्रॉ करने वाला हूँ। और इस ड्रॉइंग को करने के लिए मैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये 3 साइज की एक कैनवास बोर्ड का यूज करने वाला हूँ। बट आप लोग चाहो तो कोई भी नॉर्मल ड्रॉइंग पेपर का भी यूज कर सकते हो। तो चलो अभी ड्रॉइंग को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देख सकते हो कि मैं यहाँ पर कैनवास बोर्ड को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ताकि आप लोग इजिली समझ सको कि कौन सी एरिया में कौन से फीचर है। और अभी मैं एक रफ स्केच को बना रहा हूँ आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए। और रफ स्केच में होता क्या है कि अगर कहीं पर भी आप लोग गलती करोगे ना, तो उसको तभी इरेज करने की कोई जरूरत नहीं है। और जितना हो सके आप लोगों को इस रफ स्केच को हल्के हाथ से बनाना है। और जब आप लोग को लगे कि हाँ ये फाइनल आउटलाइन है, तब आप लोग उस आउटलाइन को ज्यादा प्रेशर के साथ बना सकते हो। बाकी आप लोग वीडियो में भी देख सकते हो मैं किस तरीके से इस रफ स्केच को बना रहा हूँ। और जब आप लोग फ्री हैंडली कोई भी आउटलाइन को बनाओगे ना, तब हमेशा ऐसा ही करना है। पहले आप लोगों को हल्के हाथ से रफ स्केच को बनाना है, देन आप लोगों को फाइनल आउटलाइन को ज्यादा प्रेशर के साथ बनाना है। ओके, रफ स्केच कंप्लीट हो चुकी है। और अभी इसको हल्के हाथ से इरेज कर देना है। उससे क्या होगा, जो भी हल्के हाथ से एक्स्ट्रा आउटलाइन की मैं किया था वो सब इरेज हो जाएगा। और जो भी मुझे लगा था हाँ ये फाइनल आउटलाइन है, जो मैं ज्यादा प्रेशर के साथ किया था वो रह जाएगा। एंड देन इस तरीके से फाइनल आउटलाइन को ड्रॉ कर लेना है। ओके, आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है। एंड डोंट वरी, मैं इस आउटलाइन की फोटो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। और अभी इसको कलर करने के लिए मैं यहाँ पर एक्रेलिक कलर का यूज कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं बैकग्राउंड को कलर करूंगा। तो बैकग्राउंड को कलर करने के लिए मैं यहाँ पर पिंक, रेड, व्हाइट, अल्टीमेट इन ब्लू और ब्लैक कलर को यूज कर रहा हूँ। तो बैकग्राउंड के ऊपर की तरफ मैं ब्लू और व्हाइट कलर को मिक्स करके कर रहा हूँ। और नीचे की तरफ मैं पिंक कलर को बना के यूज करूंगा। और लास्ट में थोड़ा विंटेज लुक देने के लिए मैं ब्लैक कलर को यूज करके दो कॉर्नर में शेडिंग करूंगा। तो बस अभी आप लोग देखो मैं किस तरीके से बैकग्राउंड को कलर कर रहा हूँ। ओके, बैकग्राउंड कंप्लीट हो चुकी है। और अभी सब्जेक्ट के ऊपर कलर करना है। तो सबसे पहले मैं फेस के पीछे ये जो राउंड एरिया है उसको कलर कर रहा हूँ व्हाइट और येलो कलर को मिक्स करके। और आप लोगों को एक चीज बता दूं कि इस तरीके से आप लोगों को हर एक कलर को 2 बार लगाना है। लाइक पहले मैं इस येलो कलर से शेडिंग किया हूँ, एंड देन सूख जाने के बाद उसी कलर से फिर से एक बार कलर किया हूँ। और अभी फेस की कलर बढ़ने के लिए मैं ज्यादा करके व्हाइट लिया हूँ, और थोड़ा थोड़ा करके डीप येलो, ब्राउन और पिंक रेड को एक साथ मिक्स करके बनाया हूँ। और इस कलर को अभी फेस के ऊपर लगाना है और हाथ के ऊपर लगाना है। और अभी डिटेलिंग शेडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट अभी इस तरीके से हर एक पार्ट में कलर करते जाना है। लाइक अभी हेयर के ऊपर ज्यादा करके ब्राउन और थोड़ा ब्लैक को इस तरीके से मिक्स करके कलर बना के उस कलर को हेयर के ऊपर लगाना है। तो बस इसी तरीके से अभी हर एक पार्ट में कलर करते जाना है। और आप लोग ध्यान से देखो मैं कहां पर कौन सी कलर का यूज कर रहा हूं।
ओके, हर एक पार्ट में कलरिंग हो चुकी है और अभी ये सूख जाने के बाद हर एक पार्ट की एक साइड में डार्क वैल्यू को देना है और ऑपोजिट साइड में लाइट वैल्यू को देना है। लाइक सबसे पहले फेस के ऊपर हेयर की साइड में डार्क वैल्यू को दे रहा हूँ ब्राउन और डीप येलो कलर को मिक्स करके, और कलर लगाने के बाद उसको सूखा हुआ राउंड ब्रश से ब्लेंड कर लेना है। राउंड ब्रश मतलब जिस ब्रश से आप लोग वाटर कलर करते हो। और सेम अभी इसी तरीके से ऑपोजिट साइड में लाइट वैल्यू को देना है व्हाइट कलर को यूज करके, और यही चीज मैं अभी हर एक पार्ट में करने वाला हूं। तो मैं किस तरीके से कर रहा हूं आप लोग ध्यान से देखो। ओके, हर एक पार्ट में शेडिंग कंप्लीट हो चुकी है और अभी लाइट एरियाज में इस तरीके से व्हाइट कलर से लाइन ड्रॉ कर रहा हूं उसको हाईलाइट करने के लिए। और अभी हेयर्स में हाईलाइट करने के लिए ब्राउन और डीप येलो कलर को मिक्स करके इस तरीके से मैं शेडिंग कर रहा हूं। तो बस हाइलाइट्स भी कंप्लीट हो चुकी है और अभी जो भी आउटलाइंस है उसके ऊपर एक जीरो साइज की राउंड ब्रश से ब्लैक कलर को यूज करके आउटलाइन ड्रॉ कर लेना है। तो बस गाइस ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है और इस ड्राइंग की कोई रेफरेंस फोटो नहीं है गाइस, मैं खुद इस ड्राइंग को क्रिएट किया हूं, दैट्स व्हाई ये वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया। आई होप गाइस आप लोगों को ये ड्राइंग पसंद आई है तो एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते जल्दी किसी और ड्राइंग वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।